ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर चरखी दादरी से है, जहां राहुल गांधी ने रैली की और वहीं किरण चौधरी ने कड़े तेवर के साथ राहुल गांधी के सामने रावदान सिंह की शिकायत की और इसके बाद किरण चौधरी और रावदान सिंह की राहुल गांधी से गुफ्तगू होती दिखी। किरण चौधरी ने राहुल गांधी को बताया कि कैसे उन्हें इग्नोर किया जा रहा है और इस पर राहुल गांधी ने रावदान सिंह की तरफ देखा और इशारों में कहा कि मामले को वे खुद हैंडल करेंगे। किरण चौधरी ने की शिकायत चरखी दादरी की तस्वीरें हैं, जहां पर रावदान सिंह की शिकायत की गई और वहीं चरखी दादरी में राहुल गांधी ने रैली को संबोधित किया। इस दौरान किरण चौधरी ने शिकायत की और कहा कि रावदान सिंह की शिकायत करती नजर आई। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि वे अपने तरीके से हैंडल करेंगे। तस्वीरें चरखी दादरी से हैं, जहां पर राहुल गांधी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव रेवाड़ी विधानसभा के गांव बूढ़पुर पहुंचे। ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया तो वहीं कैप्टन अजय यादव गुरुग्राम लोकसभा प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह पर जमकर बरसे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीते कई सालों से यहां राव इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में कर रहे हैं और उनके बावजूद बूढ़पुर गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ। देखो, बूढ़पुर ऐतिहासिक गांव है, राव मोहर सिंह और महावीर सिंह जी, स्वर्गीय महावीर सिंह, उनका गांव है और इस गांव से हमारा रिश्ता भी है और भाईचारा भी है। आज हम इस गांव में भाईचारे के नाते आए हैं। आज देखिए, 10-20 साल से हमारे सांसद यहां से नुमाइंदगी कर रहे हैं। क्षेत्र में कोई शिक्षा का केंद्र नहीं खोला, लोकसभा चुनाव का प्रचार अब अंतिम चरण पर है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी पूरे जोर शोर के साथ अपने पक्ष में वोट डालने की अपील करने में लगे हुए हैं और साथ ही इसी कड़ी में गुरुग्राम लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह गांव मीरपुर पहुंचे और जहां मीरपुर गांव के सरपंच संजू यादव की अगुवाई में जनसभा रखी गई और साथ ही ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। ग्रामीणों ने जहां माला पहनाकर उनका स्वागत किया तो वहीं वेद प्रकाश ठेकेदार ने उन्हें गांव की ओर से पगड़ी पहनाई। भीषण गर्मी के बावजूद लोगों की अच्छी खासी भीड़ यहां देखने को मिली। कम समय नहीं, इस बार हमारे को 70 दिन मिले थे और हमारे को कम से कम 50 दिन हो गए हैं लोगों से वोट मांगते हुए। तो या तो मैं गांव के अंदर खुद पहुंच पाया हूं या मोहल्लों के अंदर मेरी बहुत बेटी पहुंच पाई है। तकरीबन 80% हल्का हमने कवर कर लिया है और शुरू से अब तक रोजाना जो अंतर है वो यही है कि हमारा इलेक्शन रोजाना ऊपर और उठता जा रहा है। रेवाड़ी की तस्वीरें हैं, जहां पर जनसभा में हिस्सा लिया बीजेपी प्रत्याशी का चुनावी कार्यक्रम और साथ ही इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद नजर आए। राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे गांव मीरपुर में, लोगों ने उनका
फूल माला पहनाकर पगड़ी पहनाकर स्वागत किया बीजेपी प्रत्याशी का चुनावी कार्यक्रम। इंद्रजीत सिंह पहुंचे गांव मीरपुर। मीरपुर में ढोल लंगाड़ों के साथ फूल मालाएं पहनाकर पगड़ी पहनाकर राव इंद्रजीत सिंह का स्वागत किया गया। काफी संख्या में लोग यहां मौजूद नजर आए और साथ ही महिलाएं भी यहां पर काफी संख्या में मौजूद नजर आई। तस्वीरें रेवाड़ी से हैं जहां पर राव इंद्रजीत सिंह गांव मीरपुर पहुंचे। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की तिथि नजदीक आ गई है और आपको बता दें कि 25 तारीख को मतदान होना है, इसलिए सभी पार्टी के उम्मीदवार जनता के बीच जाकर वादे कर रहे हैं और इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री के ओएसडी अभिमन्यु राव ने भी चुनाव प्रचार का मोर्चा संभाला हुआ है और बता दें कि वे कोसली हलके में लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने कोसली हलके के बेरली गांव में युवा सम्मेलन किया और साथ ही बड़ी संख्या में लोग यहां एकत्रित हुए। तस्वीरें रेवाड़ी से हैं, अभिमन्यु राव कर रहे चुनाव प्रचार। 25 मई को मतदान होंगे और इसी को लेकर सभी पार्टियां दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। सीएम के ओएसडी ने संभाला प्रचार का मोर्चा। अभिमन्यु राव कर रहे चुनाव प्रचार, 25 मई को होंगे मतदान। तस्वीरें रेवाड़ी से हैं जहां पर सीएम के ओएसडी ने संभाला प्रचार का मोर्चा। अभिमन्यु राव कर रहे चुनाव प्रचार। वोट देने के लिए जागरूक किया है, वो देश हित में मतदान करें, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, ये मुख्य मुद्दा रहा है। क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है और हमने युवाओं के माध्यम से गांव में ज्यादा से ज्यादा पोलिंग, क्योंकि युवा शक्ति को सारा गांव गांव में प्रचार करेगी और ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएगी। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हे मॉम, हे लुक, आई कैन डाउनलोड अ सॉन्ग रियली फास्ट, आई कैन मेक डोसास फास्टर, मस्ट बी जोकिंग। चाचा नौकरी लग गई है, दो कड़क चाय बना मोदी दो। जैसी कड़क चाय ना, जब पानी उबालता हूँ तो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जात पात सब खत्म हो जाते हैं और जब अदरक कूटता हूँ तो समझो चमचे और बिचौलियों की कुटाई हो रही हो। मेहनत की आग में चाय पकती है, सारे खर्चियाँ और पर्चियाँ छन के अलग हो जाती हैं। अभी तो हरियाणा के युवाओं को मेरिट पे नौकरी मिल रही है। मोदी जी को वोट देने का कड़क रीजन दे दिया चाचा ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। Hey mom, hey look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहां सभी पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग तरीके अपना रही हैं, वहीं बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार से कांग्रेस पार्टी की लीगल टीम पूरे तरीके से नाराज है और कांग्रेस पार्टी की लीगल टीम ने प्रेस वार्ता करते हुए फरीदाबाद से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर और उसके कार्यकर्ताओं पर शहर में गलत तरीके से प्रचार करने के साथ साथ आचार संहिता का उल्लंघन करने के भी आरोप लगाए। लीगल टीम के पदाधिकारी ने बताया कि बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर नगर निगम के एडवर्टाइजमेंट पॉइंट पर इलीगल तरीके से पोस्टर बैनर लगा रहे हैं। ये है कि जो बीजेपी कैंडिडेट के फेवर में जो ये इंस्टॉलेशन हुई है विदाउट परमिशन,
ये सारी की सारी जो होर्डिंग्स लगी हैं और मतलब वायलेशन हुआ है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, तो उसके लिए बुलाइए कि भाई वो इलेक्शन कमीशन जो है और डीसी साहब जो है इसको निष्पक्ष तौर पर अश्योर करें जनता को। तो आपको ये लगता है कि इलीगल तरीके से जो है वो पोस्टिंग और होर्डिंग वगैरह वो जो बीजेपी तो वो मुझे ये बल्कि ये बात तो लोगों की तरफ से आई है शिकायत कि भाई इस तरह की जो बातें हो रही है अंदर से और प्रशासन से भी, लेकिन सरकारें आनी जानी रहती हैं, सरकार कभी एक किसी पार्टी की स्थायी नहीं रहती है और आप लोग जो है एग्जीक्यूटरी बॉडीज हैं, आप लोग एग्जीक्यूशन में हैं, जो भी कानून बनते हैं उसके एग्जीक्यूशन का काम है आपका, तो आप कृपया इसको निष्पक्ष तरीके से आप कीजिए। हमारी हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह है प्रशासन से क्योंकि सरकार आज बीजेपी की है, कल कांग्रेस की हो सकती है, परसों किसी और थर्ड पार्टी की भी हो सकती है। चरखी दादरी से किसान सभा के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। किसान नेता राजू मान ने बताया कि बीजेपी सरकार में आमजन बहुत दुखी है, हमारे जिले के महिला पहलवान बेटियों ने सराहनीय प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन किया, वहीं बीजेपी सरकार में पहलवान बेटियों को न्याय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घमंड में इतनी चूर थे कि उन्होंने संवेदना का एक शब्द नहीं जताया और बॉर्डर के हालात आपके सामने रहे हैं, किस प्रकार बॉर्डर पे बड़ी बड़ी लोहे की किले गाड़ दी गई, कहीं खड्डे खोद दिए गए, कहीं बड़े बड़े कंक्रीट की दीवारें खड़ी कर दी गई और यहाँ तक कि किसान आंदोलन पार्ट टू जो था उसमें पंजाब हरियाणा का बॉर्डर था उस पर ड्रोन से आंसू गैस के घोड़े छोड़े जैसे दुश्मन देश पे बम डालते हैं, ये हालात रहे और एक नहीं अनेक बार किसानों पे लाठीचार्ज हुआ, इसके साथ हमारे देश की जो नामी ग्रामी पहलवान बेटी है उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ, दिल्ली की सड़कों पे जैसे उनको घसीटा गया और जबकि वो कुछ नहीं प्रधानमंत्री से इंसाफ मांगने गई थी और प्रधानमंत्री जो किनारा देते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पूरे देश को शर्मसार किया इस घटना ने। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की पंचकुला से संविधान सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित। बड़ी खबर है जानकारी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सम्मेलन में हुए शामिल। इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में संविधान सम्मेलन में कार्यक्रम। बड़ी खबर है जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त के पंचकुला से। पंचकुला में संविधान सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित। सम्मेलन में हुए शामिल। इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में संविधान सम्मेलन आयोजित। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पंचकुला में संविधान सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सम्मेलन में हुए शामिल। इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में संविधान सम्मेलन में आयोजित। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पंचकुला में संविधान सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।